अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म टोटल धमाल ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पहले ही दिन 16 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। लोगों को इस फिल्म की कॉमेडी और माधुरी अनिल की केमिस्ट्री ने अपनी ओर खींच लिया। फिल्म की कहानी पहली धमाल के जैसे ही पैसों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में बोमन ईरानी पुलिस कमिश्नर के किरदार में है, जिनके चोरी किए पैसे को होटल बिल्डिंग से अजय और जॉनी चुरा लेते हैं। वहीं वो पैसा ड्राइवर बने मनोज कुमार लेकर भाग जाते हैं। मनोज जनकपुरी के जू में उन पैसों को छुपा देते हैं। बाद में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मरने से पहले वो सबको पैसे के बारे में बताता है। बस फिर शुरू होती है पैसों के लिए भागदौड़। फिल्म की बात करें तो पूरा प्लॉट, पूरी कहानी पहले आई फिल्म धमाल से मिलती है। अगर आपने धमाल फिल्म देखी है तो आपने पहले से ही पता होगा कि फिल्म में क्या होने वाला है। फिल्म में कुछ नयापन नहीं दिखेगा। वहीं इस फिल्म में कॉमेडी और सुपरस्टार्स की एक्टिंग आपको अपनी ओर खींचेगी। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की केमिस्ट्री देखनी हो, सालों बाद दोनों को साथ देखना हो तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म में थोड़ी बहुत कॉमिक है जो आपको अच्छी लगेगी। फिल्म को क्रिटिक्स ने भी इसी तरह रिव्यू दिए हैं। इसमें कुछ नयापन नहीं दिखता।